राज्य और प्रधानमंत्री की पहल के बाद में ये श्रमिकों की ट्रेन आप देख सकते हैं कि ये आ रही है और पूना से श्रमिकों को लेकर राजस्थान जोधपुर में पहुंची है। जोधपुर के अंदर ये श्रमिक पहुंचने के बाद में जोधपुर जिले के पाली, जालौर, नागौर हर जिले के अंदर ये श्रमिकों को पहुंचाया जाएगा। पहले यहाँ पे मेडिकल टीमों की जांच होगी, उसके बाद में यहाँ से रोडवेज के माध्यम से इन लोगों को पहुंचाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी है और इस ट्रेन में जो भी श्रमिक हैं उनकी यहाँ पे मेडिकल टीम, यहाँ पीछे देख सकते हैं पूरी मेडिकल टीम है, निगम प्रशासन भी यहाँ पे खड़ा है। ये निगम टीम यहाँ पे उनके सामान की सैनिटाइज करने के बाद में ये पूरा यहाँ पे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। ये मेडिकल टीम भी यहाँ पे मौजूद है, मेडिकल टीम के और ये हमारे आयुक्त महोदय भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, ये आज पहली श्रमिक ट्रेन आई है प्रधानमंत्री के आदेश के बाद में, ये यहाँ से क्या नियम होंगे, उसके बाद में कैसे ये जाएंगे? आज हमारे यहाँ पर जोधपुर में पुणे से जोधपुर एक ट्रेन आई है जिसमें 1494 पैसेंजर्स हैं, उसमें से 1326 एडल्ट हैं, बाकी बच्चे हैं। यहाँ पर सबसे पहले ज़िलेवार यात्रियों को उतारा जाएगा और उसके बाद उनका लगेज सैनिटाइज कराया जाएगा, उनके खुद के हाथ वगैरह सैनिटाइज कराए जाएंगे, उसके बाद स्कैनिंग होगी, मेडिकल स्कैनिंग होगी, उसके बाद उनको बसेस से राज्य के विभिन्न जिलों में रवाना किया जाएगा। मैम, जैसे श्रमिक आ रहे हैं इनकी भी जांच हुई थी यहाँ पे, किस तरीके से क्या रहेगा? स्कैनिंग हो रही है, बिल्कुल स्कैनिंग होगी। यहाँ से फिर ये बसें बाहर खड़ी हैं तो उन बसों में डिस्ट्रिक्ट वाइज बसें तैयार कर रखी है हमने और उसके आधार पर वो अलग अलग जिलों के लिए उनको रवाना किया जाएगा। ये कौन कौन से जिले रहेंगे मैम, जैसे पाली? जैसे पाली है, नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर, जैसलमेर, इस तरह से 25-26 जिले हैं राज्य के, उन जिलों में बसेस जाएगी। जिस तरीके से पूरी मशक्कत के बाद में जहां मजदूर पैदल जा रहा था, साइकिल पे जा रहा था, लेकिन सरकार की ये नई पहल के बाद में ये देखिए आप मजदूर यहां पे पहुंच चुके हैं और बाहर रोडवेज की बसें हैं जो यहां इनको यथा स्थान पे पहुंचाई जाएगी। आप देख सकते हैं ये मजदूर ये पहुँच चुके हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार साफ इनको दिखाया जाए, ये मजदूर यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये बाहर भी आ रहे हैं। तो जिस तरीके से ये पहली प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों की जो पहल रही है, तो आज ये मजदूर जो जहाँ पर पैदल और साइकिल से जाने के लिए लाचार थे, लेकिन आज ये ट्रेन यहाँ से इनको लेके आई है, यहाँ पे इनका सैनिटाइज किया जाएगा, मेडिकल जांच के बाद में बाहर रोडवेज बसें खड़ी हैं, रोडवेज बसें इनको यहाँ से यथा स्थान जैसे नागौर या जोधपुर के जो भी आसपास के जिले हैं उनको पहुँचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं ये पूरे श्रमिक यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरीके से हमने अधिकारी से बात की थी उन्होंने बताया कि ये पूरी जांच के बाद में और ये इस तरीके से पूरी एक ट्रेन आ चुकी है और ये लोग जो मतलब अपनी जगह पे तड़प रहे थे जहाँ पे इनको किराया देने के लिए मजदूरी के लिए पैसे नहीं थे। हम बात करना चाहेंगे सर, कहाँ से आया? पूना से। क्या हालात रहे थे लॉकडाउन में आपके? सर कुछ ऐसा हमको तो तकलीफ तो नहीं हुआ कुछ। अच्छा। और हम लोग तो हमारी जगह पे थे, हमारे जो मजदूरी किया हुआ था हम लोग बैठे बैठे सब खाना खाए और बाकी हमको किसी की ये नहीं जरूरत पड़ी। सरकार की ये पहली मतलब पहल हुई है आपको ट्रेन यहाँ लेके? जी जी, बाहर बसे हैं आपको पहुँचाया जाएगा? जी हाँ, सरकार का पहल हुआ है कि पहला गाड़ी पूना से अभी आया है, अब तक कोई गाड़ी दूसरा नहीं था। पहले हमको पास नहीं मिला था लेकिन फिर भी पास तो अभी भी नहीं है, तकलीफ है पास का तो, लेकिन अभी ठीक है। हम लोग उधर से निकल गए और इधर आ गए, आराम से आए, कोई तकलीफ नहीं। रास्ते में हमको खाना भी दिया और नाश्ता भी दिया, पानी भी दिया, सब सुविधा दिया। से मजदूर साइकिल पे जाने के लिए मजबूर था, कहीं ना कहीं पैदल जाने के लिए मजबूर था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं हुई है, हम वहाँ पे भी थे, आराम से थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे साथ में और भी श्रमिक हैं, हम इनसे भी पूछना चाहते हैं। सर, कुछ लोग आपके साथी थे जो पैदल भी निकल पड़े थे, कोई साइकिल पर निकल पड़े? हाँ जी, आप लोग आराम से आए हैं, ये सरकार की बहुत देरी से पहली हुई लेकिन अच्छी पहल हुई। हाँ नहीं, बराबर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे लिए तो अच्छा ही किया सरकार ने, जो लोग निकले वो निकल चुके थे पहले ही। आप भी महाराष्ट्र पुणे में काम कर रहे थे, क्या हालात रहे थे लॉकडाउन जो 2 महीने 1.5 महीने निकले? बहुत हालत खराब थी, घर पे बैठे थे सब लोग, इसलिए आज निकल पड़े, ट्रेन चालू हो गई थी। आप कहाँ से हैं सर? जोधपुर से? हम जोधपुर से नहीं सर, पाली से। तो बाहर आपकी बसें भी तैयार हैं आपको पाली जिला तक पहुँचाने के लिए, ये भी सरकार की पुख्ता इंतजाम है, यहाँ से बाहर जाते रोडवेज से आप अपने घर तक पहुँचेंगे। ओके सर, थैंक यू। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? नहीं, सरकार के लिए बहुत धन्यवाद है, अच्छे सुविधा की हमारे लिए, इतना जो पुणे से इधर तक लाई, यहाँ से हमको हमारे जिला तक पहुँचा जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी सरकार को शुक्रगुजार कर रहे हैं कि इनको यहाँ से लाने के बाद में बसें इनको घर तक पहुँचाएगी और ये सरकार की एक अच्छी पहल रही, क्योंकि ये मजदूर लोग जहाँ पे भी थे आराम से थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक आदेश के बाद में जब ये निकल पड़े तो कोई साइकिल से और पैदल निकल पड़े थे। हमारे साथ में और भी लोग हैं। सर, आप भी कहाँ से? हम सर पुणे से आए। क्या हालत रहे थे लॉकडाउन में, आप मजदूरी कर रहे थे? मजदूरी कर रहे थे, हालत बहुत खराब हुई थी। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता पिता हैं हमारे,
आपको कैसा लग रहा था, मतलब आप मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आज यहाँ पहुँचे। हम मिले, पहुँचाने के लिए आप घर पहुँचेंगे, हम घर पहुँचेंगे। अच्छा अच्छा लगेगा हमको। केंद्र सरकार मोदी की पहले क्या कहेंगे? बहुत ये सरकार हमारी बहुत ही अच्छी है, राजस्थान सरकार भी अच्छी है, हमको यहाँ तक घर तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार को मैं कहना चाह रहा, कहीं ना कहीं ये आज सरकार को शुक्रगुजार हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ने इन मजदूर श्रमिकों का सोचा है और इन लोगों को रात भरी सांस है कि आज यहाँ अपने स्थान पे पहुँचे और यहाँ बाहर बसे इनको अपने गांव तक पहुँचाने के लिए बाहर बसे इंतजार कर रही है, अपने घर तक पहुँचेंगे और अपने परिवार से मिलेंगे। सर कैसा लग रहा है आप अपने परिवार से मिलेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, हम पूना से आए, बहुत अच्छा लग रहा है गाँव आके हमको। सर जो लॉकडाउन में आपने वहाँ पे बिताया था, आपके परिवार जो आपके गाँव आपको याद कर रहा था, आपका परिवार आपको याद कर रहा था और वहाँ कठिन समय जो था वो आपने बिताया, उसमें आपके कुछ साथी जो थे वो पैदल निकल रहे थे, कुछ साइकिल में निकल रहे थे, साइकिल निकले सब हमारे साथ। आपको सरकार ने गिरा दी है ट्रेन है, उसके बाद में रोडवेज बस आपको अपने गांव तक पहुंचाएगी। ओके सर, क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार से यही कहना चाहिए, अच्छा काम किया आपने, हमको यह लाया है यहाँ से, हमको वापस गाँव तक पहुँचा रहे आप। कहीं ना कहीं सरकार की अच्छी पहल के साथ भी ये लोग बाहर भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जो श्रमिक लोग हैं ये बाहर आए हैं। और कहीं ना कहीं कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा। मोदी सरकार की पहली पहल के साथ आप लोग पहुंचे यहां से गांव में, बहुत अच्छा लगा। मोदी सरकार ने जो सुविधा किया है बहुत अच्छा लगा हमको, खाने पीने की सब कुछ अच्छी सुविधा थी, बहुत अच्छा लगा। तो आज ये लोग खुशी के जाहिर जो पीड़ित थे आज खुशी से मतलब कहीं ना कहीं समा नहीं रहे हैं और ये लोग अपने घर पे जाने के लिए तैयार हैं, आप देख सकते हैं। मैम आप यहां आए क्या कहना चाहेंगे? आप बाहर से आए हैं, आप गांव जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अपने परिवार से मिलेंगे? हां गांव जाएंगे, गांव। क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, आप अपने जगह अपने गांव पहुंच रहे हैं। हां तो यहाँ देख रहे हैं आप मतलब एक खुशी का माहौल है, ये लोग अपने गांव में पहुंच रहे हैं, अपने मतलब कष्ट भूमि जो इनकी जन्मभूमि थी वहाँ पे ये पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुशी का माहौल है। मैम आप बच्चों के साथ अपने गांव में पहुंच चुके हैं, अपने परिवार से मिलेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप बच्चों के साथ में वहाँ थे और यहाँ पे आप पहुँचने के बाद में क्या सुकून महसूस कर रहे हैं? अपनों का एहसास अच्छा लग रहा है इधर आने से। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की पहल मतलब पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन देर से हुई, दुरुस्त हुई है, देर से हुई तो भी अच्छी हुई। तो मतलब ये देख सकते हैं आप, सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छी सुविधा हुई सरकार की तरफ से, यहाँ से रोडवेज बस भी आपके लिए बाहर खड़ी है, जो भी आपका जिला होगा वहाँ तक आपको पहुँचाया जाएगा, ये केंद्र सरकार की बहुत मदद रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार? नहीं केंद्र सरकार का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। तो आज ये जो लोग यहाँ फंसे हुए थे अपने जगह पे, कहीं ना कहीं परिवार की पिता की माता की इनको थी लेकिन आज ये अपनी जगह पे पहुँचने के बाद में ये लोग अपने यहाँ से गाँव जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे और एक संतुष्ट की राहत पे ये खड़े हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरी ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है, इनकी यहाँ पे ये देखिए स्क्रीनिंग की जा रही है इनके सामान की। तो कहीं ना कहीं सरकार आज इनके साथ में पूरी खड़ी है, ये श्रमिक लोग पूरे अपने घर पे सुरक्षा के साथ में आराम से अपने घर पे पहुँच रहे हैं और इनको रात भरी सांस मिल रही है कि सरकार आज इनके साथ में और सरकार ने इनकी सुनी है और ट्रेन और बसों की सुविधा के साथ भी ये अपने घर पहुँच जाएंगे। जोधपुर से लोकेश व्यास, न्यूज़ 24।